धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत आदिवासी एकीकृत विकास कॉलोनी से चोरी करने वाले आरोपियों को धर दबोच कर फरियादी राजेश कुमार सिन्हा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे अपने निजी काम से इंदौर गए थे और वापस आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था। अलमारी में रखे 1,00,000 रुपए सोना चांदी आभूषण टाटा स्काई कंपनी का सेटअप बॉक्स और BSNL कंपनी का मॉड्यूम अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मुखबिर की सूचना पर कुक्षी पुलिस ने टंडा थाना क्षेत्र के गुराड़िया गांव में 12 केविन और उदय को गिरफ्तार किया है। कॉलोनी से चोरी गया माल पुलिस ने जब्त कर आरोपियों पर मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया। इन आरोपियों को पकड़ने में थाना कुक्षी के स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आशुतोष सेन की रिपोर्ट। देखिए, ये अभी 3-4 दिन पहले राजेश कुमार सिन्हा जी हैं, एकीकृत विकास परियोजना कुक्षी में रहते हैं। इन्होंने थाना आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये 30 अगस्त को दिन में 11 बजे इंदौर गए थे परिवार के साथ में, और जब 1 सितंबर को वापस लौटे तो इनके घर का ताला टूटा हुआ था। और जब इन्होंने अंदर जाकर देखा तो उसमें जो सोने चांदी के आभूषण थे, सोने की चेन, अंगूठी और अन्य आभूषण चांदी के, और 1,00,000 रुपये नकद नहीं थे। साथ में टाटा स्काई कंपनी का एक बॉक्स था, वो भी गायब था। BSNL का मॉडम, वो भी नहीं था। ये पूरा मामला किसी अज्ञात चोर के साथ चोरी करने का था, जिसपे से पुलिस थाना कुक्षी में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण चोरी का दर्ज हुआ था। SSP श्री मनोज कुमार सिंह ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था और उन्होंने इस मामले को सीबीआई ट्रेस करने के लिए निर्देशित किया था। जो एडिशनल SP साहब, SOP साहब के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई, जो टीम में लगातार पता रची की, टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए। उसमें सूचना मिली कि जो गोरड़िया गांव है, थाना टांडा के अंतर्गत गोरड़िया गांव आता है, इसके 12 मुर्ब रमेश, उदय सिंह और केविन, ये तीनों ही इस गांव के रहने वाले, ये संदिग्ध है और इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। उस आधार पर, शक के आधार पर पुलिस ने इनको कस्टडी में लेकर पूछताछ किया, जो इन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया था। फिर इनका पुलिस रिमांड भी लिया गया। पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, और जो इन्होंने चोरी किया था माल, सोने की चेन, अंगूठी, 1,00,000 रुपये नकद सहित अन्य आभूषण, इससे जब्त हो गए हैं। प्रकरण अभी अनुसंधान में है। ये साथी बदमाश लग रहे हैं, इनसे अभी हम और पूछताछ करके और भी चोरियों के बारे में पूछेंगे। सर, कहाँ से गिरफ्तार किए इन्हें? ये जो है मुखबिर सूचना के आधार पर इनको पकड़ा है, नानपुर के पास है।